महादेव के भक्तों का मार्कंडेय महादेव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जाता है कि ऋषि मृकंड को कोई संतान योग नहीं था। जाने के लिए मार्कंडेय महादेव मंदिर और बाबू रेडी हो गया है, उनकी मदर भी और मैं भी। तो पहली बार जा रहा है दर्शन के लिए। हाँ, फर्स्ट टाइम जा रहा है बाबू मार्कंडेय महादेव। हाय हाय। यस सो गाइस, मार्कंडेय महादेव हमारे बनारस शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और ये गाजीपुर नेशनल हाईवे के बीच में पड़ता है, कैथी गाँव है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और हमें मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा बनारस से यहां पर पहुंचने के लिए। मार्कंडेय महादेव लगभग 30 किलोमीटर दूर है बनारस से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और नेशनल हाईवे है गाजीपुर का, तो आप आराम से आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। तो यहां आने के लिए आपके पास अगर कार है या टू व्हीलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्किंग बहुत सारी अवेलेबल है और आराम से आप लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी या अपनी बाइक आराम से पार्क कर सकते हो। अभी हम लोग आए हैं घाट पर और मंदिर से जो घाट की दूरी है लगभग मुश्किल से आधा किलोमीटर होगी और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर अपने कलश में जल भरने के लिए। मार्कंडेय महादेव के मंदिर से एक जुड़ी पौराणिक कथा है जिसे शिव पुराण की कथा भी कहते हैं। इस कथा के अनुसार कैथी गांव में एक मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी रहते थे जिन्हें कोई संतान योग नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि मृकंड अपनी पत्नी के साथ गंगा गोमती के संगम पर बालू का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। और आज भी मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर में जब हम पूजा के लिए जाते हैं तो यहीं से कलश में जल भरकर ले जाते हैं और वहां पे जलाभिषेक यहीं के जल से किया जाता है। यह जो घाट आप देख रहे हैं यहीं पे महर्षि और उनकी पत्नी ने शिव जी की आराधना करी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। तो उन्होंने पुत्र योग की कामना रखी। पुत्र योग न होने के बाद भी भगवान शिव जी ने उन्हें अल्पायु पुत्र दिया जिसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही रहेगी। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। जब मार्कंडेय जी 7 वर्ष के हुए तो उन्हें पता चला कि वो अल्पायु है, तो उन्होंने भी शिव जी की आराधना शुरू की। समय बीतता गया और मार्कंडेय जी 16 साल के हो गए। 16 साल पूरे होने पर यमराज जी उनके प्राण हरने पृथ्वी लोक पर आए। जिस वक्त यमराज जी उनके प्राण ले रहे थे उस वक्त मार्कंडेय जी भगवान शिव जी की आराधना में लीन थे। और यह देखकर महादेव जी से रहा न गया और अपनी भक्त की रक्षा के लिए पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और यमराज जी को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। और दोस्तों, मार्कंडेय जी ही एकमात्र ऐसे शिष्य हुए हैं जिनको महादेव ने अपने नाम की उपाधि दी है, जिस वजह से मार्कंडेय जी को आप लोग मार्कंडेय महादेव के नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग मंदिर के मेन परिसर में आ गए हैं और ये देख सकते हैं आप, सामने एक मुख्य द्वार है जिससे हम लोग एंट्री करेंगे मंदिर परिसर में। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा मीठा और एक थोड़ा सा हवन सामग्री और कलश में जल लिया है और हम लोग आज मंदिर में बाबू का जलाभिषेक और इसके नाम की एक आरती और इसके नाम से एक छोटा सा यज्ञ कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मार्कंडेय महादेव की कहानी से अब तक तो आइडिया लग ही गया होगा कि लोग मार्कंडेय महादेव क्यों आते हैं। दोस्तों, लोग मार्कंडेय महादेव आते हैं अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए, और वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, भगवान उसको लंबी आयु दे। तो अपने पुत्र हो या पुत्री सबकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए लोग यहाँ पर भारी मात्रा में अपने बच्चों को लेकर आते हैं, उनके नाम से पूजा कराते हैं, उनको दर्शन कराते हैं मार्कंडेय महादेव का। और ये मंदिर इसलिए भी विख्यात है कि जिन लोगों को अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो लोग यहाँ आकर मार्कंडेय महादेव
की पूजा करा सकते हैं और जिससे उनको संतान प्राप्ति का भी सुख मिलता है। तो दोस्तों अब हम लोग जल अभिषेक करने के लिए शिवलिंग के पास जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग घर बैठे हुए हमारे द्वारा मार्कंडेय महादेव जी को जल अर्पित करते हुए देखिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं आरती करने के लिए और इधर आ जाइए। तो दोस्तों अब यहाँ आरती संपन्न हो गई है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर में प्रभु को आरती दिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रभु को आरती दिखा दी है, अब हम लोग जाएंगे हवन कुंड पे छोटा सा हवन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हवन भी संपन्न हो गया है और एक तरीके से देखा जाए तो हमारी पूरी पूजा कंप्लीट हो गई है और मार्कंडेय महादेव की कृपा से सभी कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर जल अभिषेक भी किया, अच्छे से आरती भी हम लोगों ने करी और अच्छे से यह हवन भी संपन्न हो गया है। एक तरीके से देखा जाए तो मार्कंडेय महादेव की कृपा से हमारा ये सब चीज़ यहाँ पर आना, मार्कंडेय महादेव के दर्शन करना, अपने बच्चे को पहली बार लेके आना, सब सफल हो गया और यही हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ आप लोगों का मार्कंडेय महादेव के दर्शन करना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए कि और लोगों को भी ये दर्शन करने का मौका इस वीडियो के माध्यम से मिल सके।